नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों पिछले आप लोगों की कजरी जो है बढ़िया से बीती होगी, रक्षाबंधन भी बढ़िया से बीता होगा। हमने अपने यहाँ जो हमारे यहाँ रीति रिवाज से जो कजरी मनाई जाती है, हमने उसके वीडियोस अपलोड किए थे। बहुत सारे मित्रों को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग को समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ दोस्तों ये सब क्षेत्रीय त्यौहार हैं जो कि सीमित क्षेत्रों में ही मनाए जाते हैं। यूपी बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है तीज कजरी, और ये सब जो है गांव में ही, अब तो गांव में ही सीमित होके रह गया है, लेकिन अब गांव से ही धीरे धीरे ये खत्म भी होने वाला है। बहुत जगह अब नहीं होता है, जो आज के नया जनरेशन है ये सब के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने जो वीडियो डाले थे वो इसी वजह से डाले थे दोस्तों कि जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे जाने, और हो सकता है कि 2-4 साल 10 साल बाद हमारे यहाँ से भी ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जब हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे ये दिन याद आएंगे। और हाँ दोस्तों, जो आज का मैं और आज की जो वीडियो है इसे मैंने लगभग एक महीने पहले ही शूट कर लिए थे, और काम की व्यस्तता और त्यौहार हो जाने की वजह से इसे हम एडिट करके अपलोड नहीं कर पाए हैं। हमारे एक मित्र हैं और मेरे बहुत सारे मित्र हैं। जब मैंने हल्दी के बारे में बताया, हल्दी के जब हम उबाल रहे थे, हल्दी के मैंने कई थे वीडियो बनाए हैं, तभी मेरे बहुत सारे मित्रों को डाउट्स हैं। तो मेरे एक मित्र हैं किंग राजपूत, जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि मैं हल्दी किस तरह से उगाती हूँ, उसमें कौन से खाद का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और इसे दोस्तों देखिए, मैं बाद में आवाज़ इसमें मैंने डाले हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर भी इसी में मैंने जो है देने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए हैं। बाहर कुछ जो है ठीक नहीं थे माहौल, तो हमने आवाज़ बाद में डाले हैं। और दोस्तों जो मैंने गोभी डाले थे, गोभी का जो हमने नर्सरी डाले थे, उसके भी पौधे अब थोड़े अच्छे से उग गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि बाद में तो आप भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। लेकिन दोस्तों बेल आइकन बटन भी अब खत्म होने वाला है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले दिखाते हैं कि गोभी का जो हमारा पौधा है वो कैसा है, और देखिए इसे कितने हिफाजत से जो है रखना पड़ता है। हमने उसी दिन जो है जब नर्सरी डाल रहे थे, उस दिन खैर मौसम तो थोड़ा ठीक था, इसलिए उस दिन हम जो है इसके लिए कुछ खास इंतजाम नहीं कर पाए थे। फिर बाद में दूसरे दिन हम जो है इसको चारों तरफ से इसे ढके हैं, ताकि इस पर धूप भी ज़्यादा तेज ना पड़े और बारिश ना हो, क्योंकि बारिश के जो पानी पड़ते हैं तो इसके जो बीज है वो बहने की संभावना ज़्यादा होती है। ये देखिए किस तरह से इतने बड़े बड़े इसके पौधे निकल गए हैं, तो इसमें एक दो घास है तो इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए हमारी नर्सरी कितनी बढ़िया जो है गोभी के पौधे हैं, और इसे अभी भी बचा के ही रखना होगा, और इसमें कोई भी खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पौधे जो है सब खराब हो जाएंगे। अभी इनको थोड़े बढ़ने देते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से अब ढक देते हैं, ताकि जब बारिश हो तो इसमें पानी ना जाने पाए। और अब चलते हैं, हल्दी में भी बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो नींबू का पौधा है, इसमें बहुत अच्छे नींबू लगे हैं और बहुत बढ़िया है। ये 12वां नींबू जो है इसमें फलता है। तो जब भी नींबू की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो कहीं मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, घर में कुछ चीज़ लगा दें तो मज़ा आ जाता है। आपके घर में जब हर चीज़ मिलती रहती है तो बड़ा आनंद भी देता है, सुकून भी देता है देखकर, और आपको कभी बोरिंग नहीं महसूस होती है। तो देखिए ये हल्दी में से मैं घास निकाल रही हूँ, और इधर देखिए हमने ये करी के जो पौधे लगाए थे, ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया है, और इसमें कितने अच्छी अच्छी और बढ़िया पत्तियाँ भी निकल गई हैं। और इधर देखिए जो हमने हल्दी लगाए हैं, तो हल्दी में हम घास निकाल रहे हैं। हल्दी को बोने के बाद इसमें से जो घास खरपतवार है इसको निकालेंगे, इसकी गुड़ाई करेंगे, उसके बाद इसमें हम खादों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत विशेष खाद की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसमें वही नॉर्मल यूरिया और डाई, जिसको कि नाइट्रोजन भी कहते हैं, तो दोनों को मिक्स करके इसमें हम पहले मेड़ के बीच में जो है छिड़काव कर देंगे, उसके बाद फिर इसी मिट्टी को उठा के और इसके मेड़ को बढ़िया से एकदम छाप देंगे। और मेड़ पे मिट्टी को बढ़िया से एकदम छापने के बाद फिर इस पर जो गोबर है, गोबर लाके पूरे मेड़ पे पूरा गोबर से एकदम ढक देंगे। फिर जब बारिश होती रहती है तो वो जो बारिश का पानी पड़ेगा, उस पानी की वजह से वो गोबर सड़ेगा, तो गोबर सड़ने की वजह से जो मिट्टी है वो मुलायम होगी और उसमें हल्दी जो है अच्छे से ग्रो करेगी। तो नीचे से हल्दी बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोटी और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हल्दी पड़ती है। तो बस हल्दी में बोने से लेके बस इतना ही मेहनत करना पड़ता है। बोने वाला जो हल्दी की बुआई की वीडियो हम डाल चुके हैं, और आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ आप लोग जरूर जो है वीडियो सेक्शन में ही जाके आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से हम लोग हल्दी लगाते हैं। अब रह गई बात हल्दी को यूज़ करने की,
तो मेरे बहुत सारे मित्र जो है कमेंट करते रहते हैं कि क्या हल्दी को बिना उबाले यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो बिना उबाले यूज करते हैं वो कच्ची हल्दी होती है, लेकिन जो हम डेली घरों में यूज करते हैं उस हल्दी को उबाल के ही बनाया जाता है। और ये हल्दी की खासियत है कि जब तक आप हल्दी को हल्का सा उबालेंगे नहीं, वो सूखेगी नहीं, भले सड़के खत्म हो जाएगी। तो उसे उबालते हैं। और बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि जो वो हल्दी मार्केट से लाते हैं गांठ वाली, क्या उसे बो देने से वो जमेगी? तो जी नहीं दोस्तों, आप उसे बोने की कभी भूल ना कीजिएगा, क्योंकि वो मार्केट की हल्दी उबली हुई होती है। आपको बोना है तो आप कच्ची हल्दी ले आइए, कच्ची हल्दी भी मार्केट में मिलती है। तो उसे लाके जब आप बोएंगे तो उसमें से अंकुरित होंगे और उसमें से पौधे निकलेंगे। तो दोस्तों, ये हल्दी के बारे में हमने पूरी बता दी है। और इसी के साथ हमने देखिए हल्दी के सारे घास अब निकाल दिए हैं। तो अब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इसमें गुड़ाई करके इसके मिट्टी को चढ़ा देंगे। और ये देखिए हमारे खेतों में तुलसी, हमारे एक मित्र ने कहे थे कि खेतों में तुलसी लगाने से आकाशीय बिजली नहीं गिरती है, तो हमारे खेत में तुलसी तैयार है। तो दोस्तों देखिए, हल्दी के सारे घास हम निकाल देंगे और इसके बाद घर चलेंगे। हालांकि शाम तो हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। और दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वो हमारी डेली रूटीन है, हमारी रियल लाइफ से ही संबंधित है। मैं कुछ अलग नहीं बनाने जा रही हूँ, मैं वही बनाऊंगी जो हम लोग डेली जीते हैं। दोस्तों, हम किसानों की, गांव के लोगों की लाइफ स्टाइल एकदम बाकी लोगों से हटके होती है। हम कुछ विशेष, कुछ खास जो है तीज त्योहारों पर ही कर पाते हैं, डेली ऐसा हम लोगों का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए, मैं वो अपनी डेली रूटीन जो है आज शाम की शेयर करने चल रही हूँ। तो खेतों में से तो देखिए दोस्तों, काम करके हम आ गए हैं और आज हम जो है हल्दी की तो पूरा काम कर दिए हैं। और चलिए, आज क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है और काम भी बहुत हो गया है, तो आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी। शनिवार है और शनिवार तो अक्सर करके शाम को हल्का भोजन में हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, चोखा बनाते हैं। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी वो मैं बनाऊँगी भगोने में। गर्मी भी बहुत है और जब बहुत ज़्यादा काम करके थक जाने पर तो कभी कभी मन नहीं करता है कुछ ज़्यादा बनाने के लिए, तो खिचड़ी ही बनता है। आप लोग भी अगर इस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो इसी तरह से जब थक जाते हैं तो अक्सर करके खिचड़ी चोखा ही बना लेते हैं। तो चलिए, जो खिचड़ी मैं बनाती हूँ वो देखिए, कुकर में नहीं बनाते हैं हम लोग, भगोने में बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे करके लोग खाते हैं तो इसमें काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है और काफ़ी देर तक जो है वो खिचड़ी पतली और बढ़िया भी रहती है। तो देखिए, आग हम जला लिए हैं और पानी भी गर्म हो गया है। तो चलिए, इसमें अब हम दाल धुलकर डाल देते हैं। तो ये हम दाल जो है रहर और मूंग के लिए हैं, तो आधे से ज़्यादा इसमें हम मूंग की दाल लिए, क्योंकि मूंग की दाल हमारे घर की है। तो इसको जो है हम धुल के चलिए पहले डाल देते हैं। चलिए, इसमें हम दाल डाल देते हैं। आलू हमने गैस पर रख दिए हैं उबलने के लिए। तो ये जब खिचड़ी हो जाएगा तो इसी में हम बैंगन और टमाटर भून लेंगे, तो इसी पे चोखा बनाएंगे। और आलू वहाँ उबाल लेते हैं, क्योंकि ये बारिश की जो ईंधन है ये बढ़िया से जल नहीं रहे हैं, लेकिन जो खिचड़ी है ये चूल्हे पर का ही अच्छा लगता है। मेरे बेटे को ये वाली खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो कुकर में खिचड़ी उसको नहीं अच्छी लगती है और उसे इस भगोने की खिचड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए देखिए, आज हम इसी में बनाते हैं। तो दाल हम डाल दिए हैं, तो साथ में ही हम डाल देते हैं, ये देखिए हल्दी और अमहर। और इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे। तो पहले तो इसमें हमने हल्दी और अमहर डाल दिए हैं, और अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। ये हम नमक डाल दिए हैं और इसमें हम थोड़े से डाल देते हैं, ये हमने धनिया गर्म मसाला जो घर का पिसा हुआ ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब इसे ढक देते हैं इसको पकने के लिए। तो अभी तो दाल में देखिए उबाल नहीं आया है, दाल धीरे धीरे देखिए उबलेगा। और तब तक हम इसमें डालने के लिए अदरक लहसुन और मिर्च भी छीलकर पीस लेते हैं। खिचड़ी में डालने के लिए ये अदरक लहसुन और मिर्च हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर हम साइड में थोड़े टमाटर भी भून ले रहे हैं, और इधर देखिए ये दाल कितना बढ़िया से उबलने लगा है।
तो इसमें हम ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाए थे, तो इसको थोड़ा दरदरा पीस लिए हैं, तो इसको इसी में डाल देते हैं। इससे खिचड़ी की जो है स्वाद जो है बहुत बढ़िया लगता है। तो देखिए ये हम सारे मसाले और सब कुछ इसमें डाल दिए हैं। दाल को थोड़ा फटने तक इसमें हम पकाएंगे। जब दाल अच्छे से आधे फट जाएंगे तब इसमें हम चावल डालेंगे, तो इससे दाल और चावल बढ़िया से गल के मिक्स हो जाते हैं। कुकर में तो साथ में डाल देते हैं तो साथ में ही मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से पकाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा दाल और चावल का ध्यान रखना होता है। तो दाल जब थोड़े आधे गल जाएँ तभी इसमें चावल डालें। तो अभी हमें लगता है कि 2-4-5 मिनट इसे अभी और उबलना होगा, तो इसको रखते हैं उबलने के लिए। बाकी की अब हम चोखा की भी तैयारी करते हैं। देखिए दाल जो है आधा पक गया है, आधा से ज़्यादा देखिए पक गया है। तो अब इसमें अब हम चावल डाल देंगे। देखिए दाल काफ़ी जो है गल गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं चावल, और चावल डाल के पका लेंगे। इसके बाद इसमें हम छौंक लगाएंगे। चलिए पहले खिचड़ी को हम पका लेते हैं, और इसके बाद जो है बैंगन भून लेंगे। उतारेंगे। ये देखिए जैसी खिचड़ी हमें चाहिए थी वैसे ही बिल्कुल बना है। देखिए ना ज़्यादा सूखा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो अभी तो खाते खाते ये भी और गाढ़ा होगा। चावल अच्छे से पक गए हैं तो इनको उतारना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम यहाँ से उतारते हैं, और अब इसको लगाते हैं छौंक। तो इसको उतारने के बाद अब इसमें हम इसको छौंकेंगे। देखिए कलछुल गर्म हो गया, तो इसमें हम डालेंगे ये देसी घी। ओ बच गया। और अब इसमें डालते हैं जीरा 1 चम्मच भर के, और इसको जीरा को बढ़िया से चटकने देते हैं। तो देखिए जीरा का जो है कलर चेंज हो गया है। तो अब इसी में हम डाल देते हैं ये कुछ मिर्च है, तो थोड़ा बच के हो गया। और अब ये गया, इसको ऐसे चला के और इसको हम ढक देते हैं, और इधर भूनते हैं बैंगन। बन गया है, और अब हम जल्दी से चोखा बना लेते हैं, क्योंकि अनु हमारी सो गई थी। तो चलिए जल्दी से देखिए, ये आलू बैंगन टमाटर सब हम छील लिए हैं, सब तैयार कर लिए हैं भून कर करके। इसमें अब हम डालते हैं ये देखिए ये अदरक लहसुन और मिर्च। आज हम अदरक लहसुन मिर्च को हल्का सा देखिए पीस लिए हैं एक बार चोखे में, और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए मिर्च, थोड़े से लहसुन और ये प्याज। ये सब डाल के इकट्ठे बनाएंगे, फिर खिचड़ी के साथ खानी है। और ये प्याज मैं रख देती हूँ। और अब इसमें हम डालते हैं देखिए ये तेल, और फिर ये नमक स्वाद के अनुसार, और फिर आज धनिया है नहीं तो विदाउट धनिया चोखा बनाते हैं। बाकी चीज़ों को अब बढ़िया से मैश करते हैं। तो दोस्तों देखिए चोखा बन गया है, और अब हम चलते हैं जल्दी से सबके लिए खाना निकालते हैं। यहाँ किचन में से ले लेते हैं चोखा, और वहाँ बाहर रखे हैं खिचड़ी, तो चलेंगे वहाँ से खिचड़ी सबको निकालेंगे। तो पहले सबके थाली में चोखा। तो ये देखिए ये हमारी खिचड़ी बन के तैयार है, और चलिए खिचड़ी को हम निकालते हैं। तो ये हो गया अन्नू के लिए। अरे अन्नू का ही कलर है। ये हो गया शिवम के लिए, और अब
दोस्तों बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं और तब तक हम थोड़ा अपना चैनल मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर हम लोग भी खाना खाएंगे।